सबको मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ और आपकी इच्छा के मुताबिक सबको सलाम अलैकुम कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने अकीदे को फॉलो करें और अमन और शांति की बात करें और सब मजहब एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का सबक देते हैं, उस सबक को सीखें भी और सबक को आगे बांटें भी। अदा जो है ये जहाँ पर एक बहुत पावन और क्या नाम है मुकद्दस फेस्टिवल है और इस पे सब लोग एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत का जज्बा रखते हुए ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्यार मोहब्बत का जज्बा जिसको बहुत सारी ठेस इस हालात ने पहुँचाई है, इस हालात के चलते इस जज्बे को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, आपसी भाईचारे को मज़बूत करने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों के बीच में और ज़्यादा प्यार बढ़े और जहाँ के लोग जहाँ से बाहर के लोगों के साथ भी प्यार मोहब्बत के जज्बे को मज़बूत करें। मैं चाहता हूँ कि इस जज्बे को मज़बूत करते हुए जो सब लोग जो ईद के त्यौहार को मनाएं और ये भी कहना चाहता हूँ कि ईद का त्यौहार ऐसे वक्त में आ रहा है जब कोविड अभी गया नहीं है, कोविड की अभी इर्द गिर्द हमारे मौजूदगी है और इसके साथ ये भी कि तीसरी वेव कब आ जाए उसका कभी को पता नहीं है, इसलिए तीसरी वेव के साथ अभी दूसरी वेव जो थमी नहीं है, कोविड की सारी प्रिकॉशंस लेते हुए अपने अपने घरों में जो नमाज अता करें और ईद मनाएं। बड़ी गैदरिंग्स में कहीं भी किस तरह की इजाज़त नहीं होगी और अपने अपनी जगहों पे लोकलाइज जो है वो सेलिब्रेशंस करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर अमन का माहौल फिर से आए, खुशी और खुशहाली का माहौल फिर से आए, हमारे नौजवान फिर से अपने आप को पढ़ाई और अपने कैरियर को बनाने की राह पर गामजन करें और अपने परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा करें ताकि आने वाले वक्त में कश्मीर का समाज और फले और फूले। इनकी सबको मुबारक हो।